नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंचकुला में रेड करने आई क्राइम ब्रांच की टीम को बदमाश समझने का अनोखा मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के मुताबिक हाथों में गन लेकर आए पांच लोगों की जानकारी शोरूम के मालिक ने तत्काल 112 नंबर पर देते हुए पुलिस को सूचित किया कि उसके शोरूम में पांच लोग गन लेकर घुस गए हैं। जबकि हकीकत यह है कि क्राइम ब्रांच और CIA की टीम सेक्टर 5 में फर्जी कॉल सेंटर में रेड करने गई थी। इन्होंने सिविल वर्दी और हाथ में गन लेकर वहां रेड की थी, लेकिन शोरूम के लोगों ने 112 नंबर पर फोन कर दिया। फोन आते ही पंचकुला पुलिस के हाथ पैर फूल गए और आनन फानन में 112 नंबर की तीन गाड़ियां, चार PCR और चार राइडर मौके पर पहुंच गए। जैसे ही उन्हें पता लगा कि यह तो क्राइम ब्रांच और CIA टीम की रेड है, तब जाकर पुलिस ने चैन की सांस ली। पंचकुला से हमारे संवाददाता कपिल नागपाल की रिपोर्ट। सर, लेट नाइट डायल 112 में एक सूचना आई थी कि सेक्टर 5 की मार्केट के एक शोरूम के अंदर कुछ हथियारबंद लोग घुस गए हैं, जो वहां पर किसी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। आपकी गाड़ियां मौके पे पहुंची, तो उस दौरान मौके पे क्या पाया गया? हाँ, क्राइम ब्रांच के पास एक सूचना आई थी कि एक कॉल सेंटर है और उसमें जो लोग हैं वो विदेशी लोगों से बातचीत करके उनसे उनको ठग रहे हैं। तो जब इस सूचना पे पूछताछ करने के लिए वहाँ पे क्राइम ब्रांच गई, तो उनमें से किसी ने कॉल कर दी 112 पे, और तुरंत वहाँ पे जो आसपास की लोकेटेड जितनी भी 112 की गाड़ियाँ थी वो मौके पे पहुँच गई। और बाद में पता चला कि जो आरोपी थे दोबारा कर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।